जय माता दी। भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में। आज हम सुनेंगे श्रावण मास के पवित्र महात्म्यों की प्यारी प्यारी कथाएं। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास है। इस मास में पवित्र महात्म्यों को सुनने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सारे दुख संकटों का नाश करते हैं और सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करते हैं। सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आइए सुनते हैं प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करके पहला अध्याय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो ओम नमः शिवाय। सूत जी का कथन। एक बार सूत जी सौनक तथा अन्य ऋषि गणों की सभा में पधारी। सूत जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ सौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुना है। अब इन मासों से भी उत्तम कोई मास हो तो हम उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। सौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेमपूर्ण शब्दों में बोले कि श्रोताओं में निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए। दंभ रहित आस्तिक बुद्धि, सटता रहित परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान हैं, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मापुत्र सनक कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सनत कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, इसका महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2,000 जिव्याएँ धारण की थीं। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। सनक कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है,
पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ, इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश का निवास कहा गया है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण शिव, पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप चार दल का मूलाधार नाम का चक्र है, उसके ऊपर छह दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है, सबसे ऊपर दस दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, चौथा चक्र हृदय में बारह दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यतः कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है, भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेस मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को भक्ति का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, बोलो प्रथम अध्याय की जय। जय माता दी।